सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। साथियों, आज के लाइव वीडियो में मैं खंडेरा के बारे में कुछ बात कहूंगा और आदिवासी जो सांस्कृतिक स्थल है उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधित और हमारे भूमका पंडा गायता जो भी आदिवासी समुदाय के जो मुखिया रहे हैं संस्कृति को संचालित करने वाले और हम लोगों को रूढ़ी प्रथा और कस्टमरी लॉ का ज्ञान देने वाले सभी लोगों से मैं आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथियों, जी हाँ, आज मैंने देखा हमारे सांस्कृतिक स्थल, जैसे कि अभी विगत हम सोनाखार में हमने देखा छिंदवाड़ा जिले के सोनाखार ढाना है वार्ड नंबर 22 जहां हमारा खंडेरा है और खंडेरा में हमने देखा दूसरे संस्कृति के लोगों ने वहां पर अपना झंडा, बैनर और सब कुछ लगा के रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है जहां पर हम माथा टेकते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं, जहां हम अपने पुरखा पहन शक्ति को सुमरण करते हुए उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और यही हमारी संस्कृति कल्चर की अपनी एक पहचान है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भूमका संगठन से गायता पंडा जितने भी नार भूमका है और जितने भी हमारे आदिवासी संस्कृति जो कल्चर है इसका बखान करने वाले जन जन लोगों तक पहुंचे वाले सभी भूमका और हमारे मुठुआ कोए को गुरुओं को मैं सेवा जोहार और नमन करते उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे सांस्कृतिक स्थल जहां पर गैर लोग कब्जा कर रहे हैं या कब्जा कर चुके हैं, इनको कब्जा से मुक्त कराने के लिए आप सामने आए। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों युवा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, मिलके हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को हम बचाएंगे, आपका साथ देंगे। आप खुलकर सामने आए छिंदवाड़े जिले के अंदर सोनाखार ढाना में जहां हम खंडेरा पूजा जहां पर करते हैं, रावण गोंगो करते हैं, मेघनाथ गोंगो करते हैं, कुंभकर्ण गोंगो करते हैं, मंदोदरी दाई को हम पूजते हैं, उस खंडेरा स्थल में अभी विगत भीमाल पैन जयंती आ रही है लेकिन कुछ गैर समुदाय जो लोग हैं उन लोगों ने वहां पर अपना धर्म का झंडा और बैनर सब कुछ लगा दिया है, जिसको लेकर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति ऐसा खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये काम जिस व्यक्ति का, जिस संगठन का जो काम है उस जिम्मेदारी को आप पूरी निभाए। सांस्कृतिक स्थल आपके गांव में, आपके शहर में, जहां पर भी हो, उस स्थल को बचाने के लिए और पुनः संरक्षण के लिए मैं आपसे जाहिर निवेदन करता हूं कि इन चीजों में आप सामने खुलकर आके आंदोलन करें। संस्कृति को लेकर आप खुल के आके मीडिया में, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया में आप इसका संरक्षण के लिए हम सब युवाओं को मार्गदर्शन और नियम बनाए, कानून बनाए सामाजिक, क्योंकि आज वक्त आ चुका है हमारी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज कस्टम को इस प्रकृतिवादी कोइटोरियन टेक्नोलॉजी जो व्यवस्था हमारी रही है उसको संरक्षण के लिए हम खुलकर आज सामने आने के लिए आपका तैयार है। पढ़ने लिखने वाले हो, कोई भी राजनीतिक दल में हमारा व्यक्ति हो, बीजेपी, कांग्रेस में हो, दुनिया की कोई पार्टी में हो, जब अपने समाज की बात आएगी, अपने संस्कृति की बात आएगी, जहां हमारे टोटम कस्टम की बात आएगी, हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल को बचाने की बात आएगी, खुल के आए समर्थन करें क्योंकि उससे ही हमारी पहचान है। आज जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला SP जो अधीक्षक महोदय हैं उनके माध्यम से हमने आज ज्ञापन दिया, उनको ज्ञापन दिया और ये अनुरोध किया कि जहां हम अपने पुरखों की गोंगो करते हैं वहां पर दूसरे लोगों के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है, वहां पर दूसरे धर्म के लोग वहां पर झंडे लगा रहे हैं, इससे सांप्रदायिक माहौल ना बने और हम भाई बंदी से सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म संस्कृति की सम्मान करते हुए, अपने अपने धर्म संस्कृति को अमल करते हुए इस देश में एक भाई बंदी से सामंजस्य का व्यवहार बनाते हुए जिए। इस हेतु हमने आज आवेदन दिया और आग्रह किया कि हमारे सांस्कृतिक स्थल में किसी भी प्रकार से किसी भी गैर सांस्कृतिक लोगों का अतिक्रमण ना हो, अगर होता है तो इसका सांप्रदायिक माहौल बनने से पहले शासन प्रशासन से हमने निवेदन किया कि जल्द से जल्द इसका उचित समाधान निकालें ताकि हमारे क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में शांति भंग की स्थिति ना हो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उन तमाम युवा साथियों का जिन जिनके क्षेत्र में खंडेरा गोंगो होती है, अपने खंडेरा गोंगो कोई मरम्मत कराएं, सुव्यवस्थित उसको करें। जिन जिन के गांव में मुठुआ बाबा है जिनकी हम गोंगो करते हैं, जो महान पुरखा जिन्होंने हमें संस्कृति का बहुत सारा ज्ञान दिया, भीमाल पैन जयंती आ रही है आने वाले समय में, भीमाल पैन जयंती में हम कोतमादाई और भूरा भगत के वो 5 पुत्र जिन्हें खिला मुठुआ, सद बाबा मालदेव और भीमाल पैन कहते हैं, हम उनकी गोंगो करते हैं। जी हाँ, वही भीमाल पैन जिसे आज हनुमान जी के रूप में पूजते हैं, उनके भीमाल पैन की गोंगो हम करते हैं।
भीमालपेन गोंगो करें। और हमारे क्षेत्र में जो मुठुआ है, भीमालपेन 5 भाई थे, जैसे हम हमारे पुरखा ने हमें बताया, गीतों के माध्यम से, रेला पाटा के माध्यम से हमें समझाया कि भीमालपेन खिला मुठुआ, भीमालपेन मालदेव सिद्ध बाबा, ये 5 भाई हैं कोतमदाई और भूरा भगत के, और ये बड़े प्रकृतिवादी थे, हमारे महान पुरखे थे। इन्होंने अपने अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी से किया। इस गोंडवाना भूखंड में, इस गोंडवाना धरती में रहने वाले तमाम समुदाय को सभी प्रकार के ज्ञान से प्रज्वलित किया, खुद भी ज्ञान लिया और औरों को, खुद भी प्रकाशित हुए औरों को भी प्रकाशित किया, गोया प्रेम के रास्तों पे चले। उन्हीं की जो 7 बहनें थे, जिसमें हम खेरोदाई खेड़ापति माता या खेड़ोदाई कहते हैं, खेड़ोदाई या खेड़ोदाई या खेड़ापति माता कहते हैं, जिनको परिवर्तित किया जा रहा है किसी अन्य देवियों के रूप में। खेड़ापति दाई का अपना एक महत्व है। खेड़ापति दाई ने इस मूलवासी और मूल निवासी आदिवासी मूल मालिक समुदाय के लिए जो योगदान दिया है, जो कृत्य किया है, वो हमारे लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए सीखने की पहल है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके नार में, आपके गांव में जो जो पुरखे रहे हैं, जो पहन शक्ति रही है, उनकी मरम्मत करना, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना पड़ेगा ताकि उनको कोई खत्म ना करे। हमारे गांव का मेड़ो हो, हमारे गांव के भीमसेन बाबा हो, हमारे खेत के भीमसेन बाबा हो, या हमारे गांव में जो मुठुआ बाबा हो, इन सबको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं ताकि कोई भी व्यक्ति उसको खत्म ना करें। खत्म कोई कर भी दे तो हम राजस्व रिकॉर्ड में देखें कि हाँ, इस गांव में हमारे जो पुरखा स्थल है वो यहां पर है। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक पहल में जुड़े, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी में जुड़े हो, अगर आप आदिवासी है, मूल निवासी है, आप कोई तूर समुदाय से हैं, आप ड्राइवर हैं, तो अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर स्थल की मरम्मत करें, उनको संरक्षित करें और उनको माने। गैर धर्म संस्कृति में अगर आप उलझे हुए हो तो उसे एक तरफ करें, क्योंकि आपके पुरखों के लिए कोई भी सर नहीं झुकाता। हमने देखा कि हमारे गांव में मुठुआ बाबा है, तो मुठुआ बाबा के सामने कभी कोई क्रिश्चियन धर्म का, जो क्रिश्चियन धर्म का पादरी कभी सर नहीं झुकाता। इस्लाम धर्म को मानने वाले मौलवी हमारे मुठुआ बाबा के सामने सर नहीं झुकाते। ब्राह्मण धर्म को चलाने वाले जो पंडित ब्राह्मण होते हैं, वो कभी भी हमारे मुठुआ बाबा के सामने सर नहीं झुकाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मुठुआ बाबा, ये मूल निवासी, मूल वासियों के पुरखा है, इनके सामने वो सर नहीं झुकाते। उनको पता है कि किनके सामने सर झुकाएं और किनके सामने सर ना झुकाएं, उन लोगों को पता है। लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है, वो दूसरे के सामने भी सर झुकाएंगे और अपने माँ बाप को, अपने पैन पुरखा को भूल जाते हैं, दूसरे के पैन पुरखा को घर में लाके विराजमान कर लेते हैं। अपनी एक सांस्कृतिक पहल, ये सांस्कृतिक समाजवाद है, एक कल्चरल एक मूवमेंट है, जिसे हम बहुत पहले से लेके आए हैं और छेड़े हैं गांव गांव में, कैडर के माध्यम से, गांव गांव में मांदी चर्चा के माध्यम से हम हमारे लोगों को समझाते हैं, जगाते हैं, उनको बताते हैं कि आइए, वक्त आ चुका है अपने सांस्कृतिक स्थल को संरक्षण करने का। चलो, वक्त आ चुका है अपनी टोटम कस्टम और हमारी पारंपरिक सभा को बनाने का। तो साथियों, आपसे निवेदन है और आग्रह करता हूं, युवा साथियों को बनाइए, अपने गांव में युवाओं की एक टोली बनाइए, एक समिति, और निकलिए अपनी माताओं बहनों के साथ जो दूसरे धर्म में और दूसरा उपास में उलझी, उनको बोलिए कि घर के, घाट के, खेड़ों के, पनघट के हमारे जो पैन शक्ति है, उनको हम मानेंगे, उन पैन शक्तियों के विचारों पे हम चलेंगे, उन पैन शक्तियों का संरक्षण हम करेंगे। क्योंकि हम नहीं कर रहे, इसलिए हम किसी भी गांव में घुसते हैं तो पूरा उखड़ा हुआ रहता है, ना लीपा, ना पोती, ना झंडा, कुछ नहीं, पूरा उखड़ा हुआ रहता है, मेड़ो उखड़ा हुआ रहता है, मैयादाई का स्थल, बूढ़ी दाई का स्थल उखड़ा हुआ रहता है, लिंगो बाबा का पैन स्थल उखड़ा हुआ रहता है, फड़ा पैन स्थल उखड़ा हुआ रहता है। इनकी मरम्मत करना, इनका संरक्षण करना हमारा काम है। और हर गांव में कोशिश करिए, खंडेरा, खंडेरा की स्थापना करिए और वहां पर मेघनाथ गोंगो, कुंभकर्ण गोंगो और हमारे रावण गोंगो, मंदोदरी गोंगो, हम इसको करेंगे और अपने महान पुरखों का अस्तित्व को हम बनाए रखेंगे। क्योंकि हम अपने पुरखों को नहीं मानेंगे तो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं मानता। हमें हमारे पुरखों का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पुरखों को मानना पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहता हूं कि भीमालपेन जयंती बड़े धूमधाम से बनाएं और लोगों को सच्चाई बताएं कि भीमालपेन का क्या काम था, भीमालपेन किस प्रकार से हमारे पुरखे रहे हैं, भीमालपेन कोई बंदर नहीं थे, भीमालपेन हमारे पुरखा थे, हमारी तरह बलशाली थे, मैकल पर्वत को चढ़ने वाले थे। बताइए भूरा भगत और कोतमदाई के बारे में बताइए, उन 5 भाई जिन्हें कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक 5 पांडव बनाया गया, उन 7 बहनों के बारे में बताइए, जिसमें सबसे छोटी बहन जो थी खेड़ोदाई थी, खेड़ापति माता थी, जिसको परिवर्तित कर दिया गया। आप जाइए आपके खेड़ोदाई स्थल जहां पर उनको बदल दिया गया है, वहां पर कोई और नाम लिख दिया गया है, क्योंकि
ये हमारी ना समझ के वजह से हुआ है, हम युवाओं की ना समझ की वजह से हुआ। अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को साथ में लेते हुए अपने संस्कृति को भी हमें साथ में लेना है। हम दूसरी की संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देख रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कोई नहीं जानता, ढंग से कोई नहीं समझता। अब हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, अपने भूमिकाओं को, अपने पंडाओं को अपना गुरु मानते हुए अपना जो समय निकलता है उस समय में हम उनके मिशन को पूरा करेंगे, अपने पुरखाओं की संस्कृति को संरक्षित करेंगे और अपनी पहचान, जिसकी वजह से आदिवासी की पहचान क्या है, किसे कहते हैं आदिवासी, एक जमीन की मालिकियत और अपने टोटम कस्टम अलग खान पान की वजह से जो लोग बिल्कुल अलग होते हैं बाकी लोगों से, इंडिजिनस एक प्योर नस्ल के लोग हैं हम। और चलिए इस मुहिम को बरकरार रखते हैं, अपनी पहचान को संरक्षित रखते हैं और उस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। गांव-गांव युवाओं की समिति बनाइए, एक गांव में हमारे समाज की समिति रहना चाहिए और वहां पर हमारी माताएं बहनें हमारे बहन पुरखों का स्तर को लीपा पोती करेंगे। हमारे सियाने बुजुर्ग है, शाम के समय आते समय अपने जो गोटुल है, अपने फड़ा पैन ठाना है, वहां अपने पारंपरिक जो गीत है, रेला पाटा है, उनको उन गीतों के माध्यम से उन कहानियों को, उन इतिहास को अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। जिस इतिहास को कभी लिखा नहीं गया उस इतिहास को हमारे पुरखों ने गाना में संजोए रखा था और गाना में संजोए रख के पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों तक पहुंचाया है। आज हम लोगों तक हमारे महान पुरखों का जो इतिहास मिला हुआ है वो रेला पाटा और गीत के माध्यम से मिला हुआ, क्योंकि लिखित हमारे पास नहीं है। चलो पुनः और रेला पाटाओं को, उन गीत को, उन संगीत को पुनः जागृत करें और उनको अनुसरण करें। और हमें अगर कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा तो चलो हम अपने गीत संगीत के माध्यम से सुने और उसमें तर्क वितर्क करें, जानें और उसके बाद उसको माने और उस इतिहास का संरक्षण करें। यही अपील आपसे मैं करता हूं। और छिंदवाड़ा जिले में जितने भी खंडेरा स्थल है जिनके टूटे हुए हैं, आइए अपने अपने क्षेत्र में जो युवाओं की समिति उनका मरम्मत करें और चलो आइए संस्कृति के एक नई पहल छेड़ते हैं और अपने संस्कृति के स्थल की रक्षा करते हैं। और छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पे हमारे देवघर और बाकी क्षेत्रों को डुबोने का प्लान किया गया है, इस मंशा को भी हम नाकार करेंगे और आइए अपने गोंगो स्थल और अपने गढ़ किला को जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पांचवी अनुसूची क्षेत्र जहां पर हमें संपूर्ण 100% आरक्षण मिला हुआ है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में 100% आरक्षण है और उस क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। आइए इस पहल को आगे बढ़ाते हैं अपने टोटम कस्टम नियम के अनुसार, कस्टमरी लॉ के अनुसार। आइए संवैधानिक ग्राम सभा को बनाते हैं और ग्राम सभा का निर्णय लेकर अपने पांचवें अनुसूचित क्षेत्र को संरक्षित करते हैं। एक मुहिम में साथ दें, सांस्कृतिक मुहिम में साथ दें, दूसरे को धर्म का सम्मान करें और अपने धर्म का अनुसरण करें। वैसे तो हम धर्म पूर्वी लोग हैं, हमारी संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है। चलो आइए कोई अपने के इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में, प्रकृति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रकृति का मार्ग को हम कोयापुनेम का मार्ग कहते हैं। अपने अपनी भाषा में हम लगभग हमारी संस्कृति है प्रकृतिवादी संस्कृति, इसका संरक्षण करें और आइए जीव जगत को बचाएं और आने वाले समय में लाखों करोड़ों जो जीव जंतु है उनके जीवन को संरक्षण करने के लिए अपनी मूलभूत संस्कृति में वापस लौटें। यही वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का मैं संदेश देना चाहता हूं और अपने अपने क्षेत्र में जो अपनी गतिविधि है, जो अपनी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरी करें, आप आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। और मेरे छिंदवाड़ा जिले के जो साथी अभी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सोनाखार में जो हमारा खंडेरा स्थल है उस गोंगो, जल्द वहां पर हम गोंगो करेंगे, अपने मुर्गा बकरा का जो जीवा भाव हम देते हैं वो जीवा भाव करेंगे। और गैर संस्कृति के जो लोग हैं, जिन लोगों ने वहां पर इस प्रकार के झंडा और वो लगा के बैनर लगा के रखा उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारा जीवा भाव वाला कार्यक्रम है, इससे आपकी भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए चुपचाप अपने अपने झंडा बैनर को वहां पर हटा लें, क्योंकि वहां पर जिस संस्कृति का वो पैंठाना स्थल उस संस्कृति का वहां पर वो लगेगा। अगर दूसरे का खिलाफत में अगर हम करेंगे, मस्जिद में अगर हम कोई अपने सांस्कृतिक झंडा लगाएंगे तो विरोध होता है, क्योंकि मस्जिद में सिर्फ उनका ही सांस्कृतिक झंडा लगता है। मंदिर में भी अगर हम सतरंगी झंडा उनके लगाएंगे हिंदू संस्कृति को, उसमें तो उसमें विरोध उत्पन्न होता है। अगर हम क्रिश्चियनों के चर्च में अगर जाके अपना सांस्कृतिक झंडा लगाएंगे तो वो विरोध करते हैं। वैसे हमारे भी सांस्कृतिक स्थल है, हमारे सांस्कृतिक स्थल में जब उनके सांस्कृतिक स्थल में वो हमारे झंडा बैनर नहीं लगाने देते तो हमारे सांस्कृतिक स्थल में हम क्यों लगाने दें। आइए एक पहल बनाते हैं और हमारे भूमिका संघ, हमारे जितने भी गायता जो है, हमारे नार पंडा है, पड़ेहार है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में सक्रिय रहें और आइए संवैधानिक लड़ाई में भी हम सामने कूदें, क्योंकि जल जंगल की लड़ाई के सांसद हमारे, जब विधायक सांसद हमारी बात नहीं उठा रहे हैं तो हमारे लिए सड़क खाली, सड़कों में आके हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। सेवा जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।